नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं रेणु वैद आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान पढ़ा रही हूँ बच्चों। और आपको सबको पता है यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर संसद, लोकसभा और राज्यसभा, इसके बारे में मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों। आपके टॉपिक संसद में लोकसभा और राज्यसभा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बच्चों कि संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के होता है, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। हमारे भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। कौन सी व्यवस्थापिका है? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। और हमारे यहाँ पर व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, जापान में डाइट कहते हैं, इराक में मजलिस कहते हैं, उसी तरह हमारे भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। व्यवस्थापिका और संसद हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार रखती है। और इस कानून में कहा गया है, इस संसद का अनुच्छेद 79 जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में देखने को मिलता है, उसमें बच्चों कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अब देखो बच्चों, लोकसभा, लोकसभा की बच्चों अगर हम बात करें तो लोकसभा का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में देखने को मिलता है, जबकि राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में देखने को मिलता है। राज्यसभा जिसको राज्य परिषद कहा गया, प्रारंभ में इसको राज्य परिषद कहा गया और 1954 में इसका नाम क्या रखा गया? राज्यसभा रखा गया था। सदस्य संख्या की अगर हम बात करें बच्चों, तो अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है लोकसभा की, वो हो सकती है 552। कितनी हो सकती है? 552 जो है इसकी सदस्य संख्या हो सकती है, जबकि राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है, अधिकतम संख्या जो है वो हो सकती है 250। हमारे भारतीय संविधान में प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या 500 थी। कितनी थी बच्चों? 500 इसकी प्रारंभ में सदस्य संख्या थी। फिर बाद में इसको 525 किया गया, 530 किया गया और 34वां जो संविधान संशोधन हुआ, कौन सा संशोधन हुआ बच्चों? 34वां जो भारतीय संविधान में बच्चों संशोधन होता है, उस 31वां जो संशोधन हुआ 1974 में, इस 31वां 1974 के संविधान संशोधन में इसकी सदस्य संख्या कितनी कर दी गई बच्चों? 552 कर दी गई। और वर्तमान में जो इसकी सदस्य संख्या है बच्चों, वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है आपकी बच्चों कितनी? 545 जो है इसकी सदस्य संख्या है। 545 में से बच्चों 543 सदस्य तो होते हैं निर्वाचित। क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और 2 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। कौन होते हैं? मनोनीत होते हैं। देखो, वर्तमान में सदस्य संख्या लोकसभा के सदस्यों की 545 है। 545 में से 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। अब बच्चों, 543 जो मेंबर है, उन 543 में से 530 जो सदस्य हैं वो राज्यों के द्वारा, राज्यों से चुने जाते हैं, और जो आपके 13 सदस्य हैं वो आपके आते हैं संघ शासित क्षेत्रों से। कहाँ से आते हैं? संघ शासित क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। तो 543 जो निर्वाचित मेंबर है उनमें से 530 राज्यों से आते हैं और 13 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। ये है अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वो केंद्र शासित बनने के बाद इसमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन आपकी बुक में बच्चों अपडेट नहीं हुआ है, बुक में यही दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर ये पढ़ा रही हूँ। आगे के वीडियोस में जम्मू कश्मीर के बाद जो इसमें परिवर्तन हुआ है वो मैं आपको आगे के वीडियोस में पढ़ाऊंगी। अब आता है बच्चों आपका राज्यसभा।
राज्यसभा की अगर हम बात करें बच्चों, तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250। 250 में से बच्चों 233 सदस्य तो होते हैं बच्चों, क्या 233 जो सदस्य होते हैं वो तो होते हैं निर्वाचित। क्या होते हैं? निर्वाचित। और 12 सदस्य होते हैं बच्चों मनोनीत। 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। तो आपने देखा कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हैं 2, जबकि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने हैं? 12 सदस्य हैं। और ये 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता में जो विशेषज्ञ होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। आगे देखते हैं, लोकसभा के 2 सदस्य मनोनीत होते हैं जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब 233 जो सदस्य हैं बच्चों, उन 233 में से 229 सदस्य तो राज्यों से चुने जाते हैं और जो 4 सदस्य होते हैं बच्चों वो संघ शासित क्षेत्र से चुने जाते हैं। संघ शासित क्षेत्र में 2 से आते हैं केवल, दिल्ली और पुडुचेरी। यहाँ पर ही राज्यसभा, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों से ही राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या है 250, 250 में से 233 सदस्य होते हैं निर्वाचित और 12 सदस्य होते हैं मनोनीत। उसके बाद आपने देखा 233 निर्वाचित में से 229 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों से आते हैं और 4 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं, जिसमें दिल्ली से आते हैं 7 और पुडुचेरी से आता है 1। जबकि यहाँ पर आपने जो 2 सदस्य देखे, 13 जो सदस्य देखे, इनमें 7 आते हैं दिल्ली से और 1-1 आते हैं 6 केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है बच्चों, तो ये 13 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। अभी वर्तमान में ये सदस्य हो गए 20। कितने हो गए हैं? 20 हो गए। अब बात आती है आरक्षण की। आरक्षण की बात करें बच्चों, तो अनुच्छेद 330 कहता है एससी व एसटी को आरक्षण दो। इसके लिए 84 सदस्य एससी और 47 सदस्य इनके अभी वर्तमान में क्या है बच्चों? रिजर्व किए गए हैं। उसमें कहा गया है कि यहां से इतने सदस्य और यहां से इतने सदस्य क्या होंगे? मनोनीत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से क्या होंगे? चुने जाएंगे। आरक्षण में ये कहा गया। आरक्षण का उल्लेख बच्चों हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में इसका उल्लेख किया गया है। और हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का क्या किया गया है? आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 84 जो है अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान संरक्षित है और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान या 47 सीटें रिजर्व की गई है। मतलब यह बच्चों 545 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं और एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व की हुई है। तो हमारे भारतीय संविधान में क्या है? आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और इसी आरक्षण को ध्यान में रखते हुए बच्चों पहले इसको 2020 तक किया गया था आरक्षण को, अब इस आरक्षण की सीमा को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब बात आती है बच्चों मनोनयन की। मनोनयन की बात करें तो यहां पर 2 सदस्य मनोनीत होते हैं और यहां पर 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। क्या होते हैं बच्चों? मनोनीत होते हैं। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। यहां पर आरक्षण हमने देखा अनुच्छेद 330 में उल्लेख है एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 स्थानों को रिजर्व किया गया है। मनोनीत की बात करें तो लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन होता है अनुच्छेद 331 के अनुसार। अनुच्छेद 331 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाएगा और अगर 2 एंग्लो इंडियन समुदाय हमारे समाज में नहीं है तो वहां पर अगर मान लो वो निर्वाचित हो गए तो नहीं होंगे,
वरना दो एंग्लो इंडियन को, किसको? एंग्लो इंडियंस को, दो एंग्लो इंडियंस को क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। जबकि यहां पर जो 12 सदस्य हैं वो किसमें होंगे? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। जब तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया 2011 में, तब इस बात पर विवाद हुआ कि इनमें से किसी भी क्षेत्र में तेंदुलकर की ख्याति नहीं है, तो तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य क्यों बनाया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने बयान दिया था बच्चों कि आदि शब्द का यूज है, सहकारिता के बारे में क्या है, आदि शब्द का यूज है, मतलब और किसी भी क्षेत्र में अगर कोई विशेषज्ञ है तो उसको राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है। तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का पावर है वो बच्चों राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 331 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब बात आती है बच्चों नाम की। लोकसभा को बच्चों निम्न सदन कहते हैं, क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। जनता का सदन कहते हैं क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। इसको लोअर सदन कहते हैं क्योंकि जनता के चुने हुए, आम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें आते हैं, इसलिए इसको निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको प्रतिनिधि सदन भी कहते हैं, इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं। जबकि राज्यसभा की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, इसके अलावा स्थायी सदन कहते हैं, इसके अलावा राज्यों का सदन कहते हैं। किसको? राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन और राज्यों के सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते बच्चों निर्वाचन की। निर्वाचन की बात करो तो यहां पर ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कौन सी प्रणाली के द्वारा? गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। और अनुच्छेद 326 में कहा गया है साहब कि जो वयस्क मताधिकार जिसने प्राप्त कर लिया है वो प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करेगा। जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। जबकि राज्यसभा की बात करें बच्चों तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यों की विधानसभाएं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इनका चुनाव करती है और 2003 से खुली मतदान प्रक्रिया के आधार पर जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वो अपने राज्य से सदस्य भेजती है। जैसे राज्यसभा में राजस्थान जो है कितने भेजता है? 10 सदस्यों को भेजता है। जबकि यूपी जो है वो कितने सदस्यों को भेजता है? 80 सदस्यों को भेजता है। महाराष्ट्र कितने सदस्यों को भेजता है? 48 सदस्यों को भेजता है। तो सभी राज्य की सीटों का आवंटन जो किया गया है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है आपकी अनुसूची 4 में देखने को मिलता है, जिसमें राज्यसभा में किस राज्य के लिए कितनी सीटें निर्धारित है उसका आवंटन किया हुआ है और बताया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाएं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर करेगी, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। और अनुच्छेद 326 में साफ कहा गया है कि वयस्क मताधिकार प्राप्त सभी जो व्यक्ति हैं उनके माध्यम से, सभी वयस्क मताधिकार प्राप्त मत पद्धति के आधार पर लोकसभा के सदस्यों को चुनने का कार्य करेंगे। अब बात आती है बच्चों कार्यकाल की। किसकी आती है? कार्यकाल की। कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है बच्चों 5 वर्ष। 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा को पूरा का पूरा भंग कर दिया
जाता है और दूसरी लोकसभा के चुनाव होते हैं और नए सदस्य हर 5 साल के बाद में आते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 85 के अनुसार। जबकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है बच्चों 6 वर्ष। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रति 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य नए आते हैं और पुराने सदस्य चले जाते हैं। इसीलिए राज्यसभा के लिए कहा जाता है कि राज्यसभा कौन सा सदन है, स्थाई सदन है, जबकि लोकसभा कौन सा सदन है, अस्थाई सदन है, क्योंकि लोकसभा में मेंबर हर 5 साल में बदल जाते हैं। तो ये समझ में आ गया। प्रतिनिधित्व का आधार, यहां पर प्रतिनिधित्व का आधार क्या है, यहां पर प्रतिनिधित्व होता है 5 लाख पर, इस पर 5 लाख पर जो है एक प्रतिनिधि खड़ा होता है, 5 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को खड़ा किया जाता है। जबकि राज्यसभा में राज्य विधानसभाएं जो है वो अपने इकाइयों का प्रतिनिधित्व अपने आधार पर करती है। योग्यताओं की अगर हम बात करें बच्चों, तो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, और अनुच्छेद 84 में लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता निहित है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बन रहा है तो उसकी आयु 30 साल होनी चाहिए। इसके अलावा संसद ने जो भी या भारतीय संविधान ने जो भी निर्हताएं या योग्यताएं निर्धारित की है या जो भी नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो शपथ उसको दिलाई गई थी जब उसने फॉर्म भरा था उस समय की शपथ का वो प्रतिज्ञान करता हो तब उसको क्या किया जा सकता है, लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य या संसद का सदस्य बन सकता है। उसके बाद आती है गणपूर्ति, अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि अगर संसद की बैठक हो रही है तो उस संसद की बैठक में कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। अगर इतने सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो वो बैठक मान्य नहीं होगी। दोनों में ही गणपूर्ति कितनी है, 1/10 डिसाइड है। उसके बाद है शपथ, ये शपथ जो है आपको पता है जब फॉर्म भरा जाता है उस समय शपथ लेते हैं, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसके बाद सभी शपथ लेते हैं, संसद का सदस्य होने के नाते शपथ लेते हैं, और तीसरी शपथ अगर उनमें से कोई मंत्री बनता है तो 3 शपथ जो है वो संसद के सदस्य ले सकते हैं। तो शपथ ये लोग लेते हैं, संसद की सुरक्षा करेंगे, संसद संविधान की सुरक्षा का भार इनके ऊपर होता है, तो इसकी शपथ या प्रतिज्ञान जो है ये सब करते हैं। तो आज आपने लोकसभा और राज्यसभा के संरचना, सदस्य संख्या, आरक्षण, मनोनयन, प्रकृति, नाम, निर्वाचन, कार्यकाल, प्रतिनिधित्व का आधार, योग्यताएं, गणपूर्ति और शपथ के बारे में पढ़ा है। तो लोकसभा और राज्यसभा की द्विसदनात्मक व्यवस्था का हमारे भारत में विद्यमान है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 साल और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 साल होनी चाहिए। यह हमारा अनुच्छेद कहता है 84। कौन सा अनुच्छेद कहता है, लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, ये कहता है आपका अनुच्छेद 85 कि लोकसभा में अभिभाषण प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा को स्थगित करने का लोकसभा को भंग करने का पावर भी राष्ट्रपति के पास है, ये अनुच्छेद 85 कहता है। तो वैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य 1/3 प्रति 2 वर्ष के बाद वापस आ जाते हैं, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जबकि लोकसभा आपका अस्थायी सदन है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, इन सब की डिटेल हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। आज आपने पढ़ा अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की बात कही गई है, राज्यसभा के गठन की बात अनुच्छेद 80 में कही गई है, अधिकतम सदस्य संख्या 552 है,
यहाँ पर 250 है, वर्तमान में 245 है, यहाँ पर वर्तमान में 245 है, 245 है, 233 निर्वाचित होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसको करता है? जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता में जो विशेषज्ञ होता है उनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा 233 सदस्यों में से 229 राज्यों से आते हैं और 4 संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, इसीलिए इसको प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। जबकि राज्यसभा राज्यों का सदन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा जनता का सदन है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है। ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है और कुछ क्षेत्रों में राज्यसभा भी पावरफुल है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा में बच्चों एक होता है महान्यायवादी। कौन होता है बच्चों संसद में? महान्यायवादी। महान्यायवादी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 88 में देखने को मिलता है। ये महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 88 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये संसद में भाग ले सकता है, संसद में की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकता है। संसद में बोल सकता है, वाद विवाद कर सकता है, सरकार की तरफ से अपना दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन ये क्या नहीं कर सकता? ये जो है महान्यायवादी, संसद में वोट नहीं दे सकता। इसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में इस व्यक्ति को जाना जाता है। किसको? महान्यायवादी को, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 और 88 में बच्चों देखने को मिलता है। तो आज आपने संसद के लोकसभा और राज्यसभा के कुछ तुलनात्मक अध्ययन किया बच्चों। इस तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से कक्षा 12th के विद्यार्थियों को अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्न आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो आप चाहते हैं कि आप संसद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तो आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखे सुने और कॉपी में इसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट दें, ताकि मैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पूरी पुस्तक आपको समझा पाऊं। आगे के वीडियोस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे। धन्यवाद। कितना हो गया?